गुफ्तगु करेंगे। आप लोग बैठ जाएं। आज मौजूद हाजरात को मैं हाथ एक करके, आपने जो 6 महीने पहले 18 नगर सेवक यहाँ पे चुन के दिए, उसके लिए आज शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सामने सर झुका के आपकी मोहब्बत जो हमेशा हमें आप दिखाते हैं, उसका बोझ मेरे दिल पे हमेशा रहेगा। जब भी चुनाव आया, मेरे खिलाफत करने वाले मेरी बदनामी करते रहते हैं, लेकिन आप जो मोहब्बत दिखाते हैं वो बोझ में उतार नहीं सकता हूं। आपको मालूम है मुशायरे में क्या हुआ? कुछ चंद लोग मुशायरा बंद के मेरी खिलाफत करने के लिए मुशायरा बंद करने गए। ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि खुद जज उनको बोल रहा है इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, क्यों आप इसको रुका रहे हैं? तो बोला वो एमएलए जाके वहां भाषण करता है। तो भाषण करता है तो उसको उधर ही वोटिंग मिलती है क्या? जज उसको इशारा दे रहा था कि तुम अपनी अर्जी वापस ले लो, और वो सुनने को तैयार नहीं था। आखिर जज ने बोला कि ठीक है, मुशायरा 12 बजे बंद कर डालो। नुकसान मेरा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, उसको ठेच लगाने का काम मेरी खिलाफत करने के लिए उन लोगों ने किया जो उनको मैं आज उर्दू का दुश्मन मानता हूं। हमारी मोहब्बत उर्दू से है, हमारी मोहब्बत शायरों से है, ये भाषा भारत की भाषा है, लेकिन ना समझ लोग हैं। अभी अभी अल्पेश जी मेरे साथ आए, कामों का सिलसिला यहां पे जारी है। आज सुबह कमिश्नर को मिले और पूरे मजमे को बता देना चाहता हूं कि भारत का पहला हैंगिंग मार्केट 35 करोड़ रुपया डाल के बनाया जाएगा, जिसपे एक भी हॉकर तुमको रस्ते पे नहीं दिखेगा। फर्स्ट फ्लोर पे अपने रस्ते पे हैंगिंग मार्केट होने वाला है, और उसकी घोषणा खुद कमिश्नर आने वाले महासभा में कर देंगे। कामों में हमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। 70 रस्ते बन रहे हैं, बाईपास पे हमारा ब्रिज बनने जा रहा है, कालसेकर से रास्ता आ रहा है, बाहुबली पे एक रास्ता, एक इमारत बन रही है, जब सब गवर्नमेंट ऑफिस उनमें आएंगे, ये पीछे से रास्ता बन रहा है, सब काम हो रहा है। लेकिन मैं मारा आज खिलाफत करने वाले लोगों से बोलना चाहता हूं, मेरी दुश्मनी तुम्हारे से नहीं है, मेरी दुश्मनी फैसिज्म से है। अगर मेरी दुश्मनी है तो वो बीजेपी से है, और आप मेरी खिलाफत करने के लिए उनको फायदा मत पहुंचाइए। आप मेरी खिलाफत करोगे फायदा बीजेपी को मिलता है, और मैं आपके सामने आज दोस्ती का हाथ दे रहा हूं, मेरी खिलाफत मत करो, हम सबको एक मिलकर मोदी को रोकना है। आज हम अल्पेश जी को लाए, क्यों लाए हैं, क्या फायदा है? लेकिन जिस सोच से अल्पेश जी सामने गए, जिस ताकत से उन्होंने मोदी को रोकवाने का काम किया, पूरे देश को एक मैसेज दे दिया कि अगर नौजवान और हम सब एक आते हैं तो हम मोदी को रुका सकते हैं। और यह ताकत जो हम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र में पहली बार अल्पेश जी आए और मुमरा में आया है, उसका कोई महत्व है क्या? यही से हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र को, क्या अब की बार मैं पिछड़ा हूं, अल्पेश पिछड़ा है, हम बैकवर्ड समाज में से है, यहां का SC, यहां का ST, यहां का OBC, यहां का मुसलमान अगर एक होकर लड़ेगा तो भाजपा को हम महाराष्ट्र के उखाड़ के फेंक देंगे। और यह लड़ाई अभी से शुरू कर रहे हैं हम, आज से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। आप मेरा साथ दोगे? हाथ उठा के बताओ आप साथ दोगे? मुझे औरतों का हाथ नहीं दिख रहा, जरा आप मेरे हाथ ऊपर पकड़ के रखो, आप मुझे साथ दोगे? हाँ बोलो, और जोर से। शुक्रिया। आज ज्यादा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि शायर वो थे, और 12 बजे के पहले हमको मुशायरा खत्म करने का है। मैं अल्पेश जी को बोलूंगा कि वो अपने शब्दों में आपको आज जितेंद्र भैया के इनविटेशन पे इस मुशायरे के अंदर शामिल होने का मौका मिला, उसके लिए मैं उनका और आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं गुजरात से आया हूं, और गुजरात के अंदर हाल ही में इलेक्शन खत्म हुए, और आप सबने देखा है
कि गुजरात के अंदर जो माहौल बना है अभी तक, उस माहौल में सब लोग यही बोलते हैं, तीन लड़कों ने इनको रोक दिया, तीन लड़कों ने इनको डरा दिया। क्यों? हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा पिछड़ों गरीबों की विचारधारा है। जितेंद्र भाई ने पूछा मुझे, आपने भाजपा आपको इतनी इतनी लालच दे रही थी, भाजपा आपको इतना इतना इंसिस्ट कर रही थी, फिर भी आप भाजपा में क्यों नहीं गए? मैंने बोला, मेरी विचारधारा, जो विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई कुर्सी की और पैसों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा मानवता की विचारधारा है, ये देश को जोड़ने की विचारधारा है, देश को आगे ले जाने की विचारधारा है। और जिस तरह की, जिस ईमानदारी की लोग बात करते हैं, मैं आज आपको कहने आया हूं, ये लोग ईमानदार लोग नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये लोग बोलते हैं ना मैं खाता हूं ना खाने देता हूं, पर आपको बोलने आया हूं, ये लोग जितना खाते हैं इतना तो कोई नहीं खा सकता, इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं। मुझे आज किसी ने पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता? मैंने बोला किससे? बोला इन लोगों से। मैंने बोला डर इनको लगता है हमसे, हम इनसे डरने वाले लोग नहीं है। और आपको भी बोल रहा हूं, क्या डरते हैं हम लोग इनसे और क्या डरे? ये वो लोग हैं जो ईमानदारी का चोरी पहन के बैठे हैं, पर पूरे देश में अगर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं तो ये वही लोग हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं। गुजरात के अंदर इन लोगों ने कितना पैसा खाया, गुजरात के अंदर बाढ़ आई, बाढ़ पड़ी तो कहीं 6 महीने पहले 2000 करोड़ रुपए खा गए, ये वही लोग बैठे हैं। हमसे इसलिए डरते हैं, वो हमसे डरते हैं, तीन लड़कों से डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई हमारी ताकत है, और हमारी ईमानदारी से लोग डरते हैं। बहुत थोड़ा से चूक गए हम लोग, ये 9 सीटें हमसे ज्यादा ला रहे हैं लोग, थोड़ा सा चूक गए। पर आपको यह भी वचन देने आया हूं, 2019 में हम नहीं छोड़ेंगे, 2019 में हम गढ़ पर आके बैठेंगे। और यह भी बात बोल रहा हूं, ये अपने बाहर से गिर जाएंगे, मेरे बीच में ही बोला 2 साल में है ये लोग सत्ता छोड़ देंगे गुजरात के अंदर भी, क्योंकि इनकी फितरत बन गई है भ्रष्टाचार करना, जाति जाति धर्म के नाम पर लड़ाना, वो अब नहीं चलने वाला, क्योंकि हम लोग असेंबली के अंदर बैठेंगे, जवाब मांगेंगे इनसे। अब की बात भी गुजरात के अंदर विकास के मैदान पर उन्होंने वोट नहीं मांगा, गुजरात को डराया गया, गुजरात को बांटा गया, जाति धर्म के नाम पर बांटा गया, पर फिर भी आज गुजरात इनकी बातों में नहीं आया। ठीक है, अर्बन इलाके के अंदर थोड़ा लोगों को भ्रमित कर गए, पर पूरा गुजरात आज जाग चुका है, मैं महाराष्ट्र के अंदर भी कहने आया हूं। कब तक इनकी जाति जाति धर्म के नाम पर लड़ाने की विचारधारा को समझते रहेंगे और इनकी बातों में आते रहेंगे? देखिए इन लोगों का काम क्या है, तोड़ना, नफरत फैलाना, सिर्फ अपनी राजनीति करना, और वैसे राजनीति चाहते हैं लोग। गुजरात या महाराष्ट्र टूटे तो टूटे, इनके टुकड़े हो जाए, देश टुकड़ा हो जाए, पर उनको सत्ता चाहिए। वो हर बार सबको डराने का प्रयास करते, सबको बांटने का प्रयास करते हैं। हमें प्यार की विचारधारा अपनानी है, जोड़ने की विचारधारा अपनानी है। और क्या ऐसे लोग हैं, हम इनसे नहीं हारते, ये हमें नहीं हराते, पर इनके साथ बैठे हुए चंद नुमाइंदे हमारे, वो लालचू नुमाइंदे, वही हमें हराते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग हारते हैं। तो आपको भी यह जानना होगा,
जो हमारे बीच बैठे हुए हमारे बड़े हैं उनको भी समझाएं, कब तक तोड़ेंगे, कब तक हम गरीबों का विकास रोकेंगे। मैं गुजरात के अंदर क्या किया हमने, गुजरात के अंदर ओबीसी दलित माइनॉरिटी आदिवासी को एक कर दिया हमने। आज गुजरात के अंदर ये सभी वर्ग के लोग एक हैं और आज गुजरात के अंदर सब सवर्ण जाति भी हमारे साथ है। आज पूरा गुजरात एक हुआ है। युवक सत्ता दलित थोड़े वापस आ गए पर सत्ता हमारे संघर्ष की दिशा नहीं है। हमारी दिशा क्या है, वह सत्ता चाहिए जिस सत्ता में हमारे गरीबों पिछड़ों का विकास हो। वह सत्ता नहीं चाहिए जो हमारे विकास नहीं हो। आज जो लोग बैठे हैं ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ हमारे की बात सुनेंगे तो हमारी सरकार लड़ी पड़ेगी। हमारे जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे जो बैर हैं जैसे जितेंद्र बैर जैसे ऐसे लोग, इन लोगों को लाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के विचारधारा को एक ले जाके इनका विकास करें। हमें क्या चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें इन शब्द पर काम करना है जहां पर हर परिवार का विकास हो। अब इतने हजारों लोग इकट्ठा है, हम मानवता की विचारधारा की बात करते हैं, जोड़ने की विचारधारा की बात करते हैं, हम देश की विचारधारा की बात करते हैं। आज गुजरात के अंदर जो मारा हुआ मारा महाराष्ट्र के अंदर देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी एक देखना चाहते हैं सबको। और उन सभी पार्टियों को आह्वान करते हैं जिनके विचारधारा एक है, उन सभी को एक होना पड़ेगा। ये लोग कोई ईमानदार लोग नहीं है, सुन लीजिए। मैंने एक गुजरात के अंदर एक बात बोली थी, मोदी साहब जब बोलते हैं मैं खाता हूं, मैं खाना देता हूं, पर आपको नहीं पता वो क्या खाता है। वो जो खाते हैं वो किसी और को नहीं खाने देते, ऐसा खाना खाते हैं। आपको पता है क्या खाते हैं वो, मशरूम खाते हैं वो, और कोई ऐसा वैसा मशरूम नहीं खाते। लाखों रुपए का मशरूम खाते हैं और वो मशरूम देश से नहीं आते, ताइवान बर्मा से आता है। ये बोलने का मतलब क्या है हमारा? आज गुजरात के हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मतलब यह है हमारा कि जो मैं खाता हूं, खाना देने की बात करते हैं, उनके सारे लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं। वो हर महकमे का भ्रष्टाचार, वो पैसा इतना खा रहा है, इतने सालों में किसी ने नहीं खाया होगा, इतना पैसा इनके पेट में भरा हुआ है। ये लोग वो लोग हैं जो ईमानदारी का चोला पहन के बैठे हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और मैं ये गलत नहीं बोल रहा कि वो मशरूम नहीं खाते, वो चावल की बात करते, वो गरीबी की बात करते। उनको पूछो तो सही, क्या गरीबी देखी है उन्होंने? गरीबों के नाम पे, ओबीसी दलित माइनॉरिटी के नाम पे वोट तो आ गए, पर उनका विकास कितना क्या है वो भी जवाब मांग रहे हैं उनसे। कुछ नहीं करेंगे ये लोग, गरीबों का विकास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है अगर गरीब ओबीसी एससी माइनॉरिटी इनका विकास हुआ तो हमारी बस्त राजनीति तोड़ने की राजनीति अब नहीं चलेगी, इसलिए हमारा विकास कभी नहीं करेंगे ये लोग। हमें तो आपको इतनी रिक्वेस्ट करना आया हूं मैं, हमें जोड़ने की राजनीति करनी है। और महाराष्ट्र के अंदर आने वाले वक्त के अंदर हमारी सरकार, हमारे होकर अधिकार की सरकार बनाए, इसके लिए हमें आगे आना है और हम पैसिस लोगों को बाहर निकालना है। और महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर थोड़े से चुक गए, पर महाराष्ट्र में थोड़े से नहीं चुकना है, बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार लाना है। आप सबके यहां आने का मौका मिला, दर्शन का मौका मिला, जितेंद्र भाई और सभी आयोजकों का मैं शुक्रगुजार हूं। और आप लोग यहां इतनी बड़ी तादाद में आए, सबका शुक्रगुजार हूं। आने वाले वक्त के अंदर हमारे गरीबों की सरकार बने, पिछड़ों की सरकार बने।
यही कामना के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आखिरी जो बहन, अब एक फोटो जो पेपर वालों को चाहिए उसके लिए जो है थोड़ी सी मदद चाहिए। सब लोग खड़े हो जा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं और फोटो पूरे देश में जाने वाला है। सब लोग कोई भी बैठा हुआ नहीं चाहिए, कोई भी बैठा हुआ नहीं चाहिए, कोई भी मैं पीछे लगा हूं, कोई भी बैठा हुआ ताली बजा जोर से, जोर से। ये सामने भाई साहब बोल रहे हैं, जोर से बजाओ। हम सब एक है। हम सब एक है। हम सब एक है।